एकदम परफेक्ट कढ़ाई पनीर की रेसिपी अगर आपको देखनी है ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए घर में अगर बनाओगे ना तो हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया था जीरा, लौंग एंड तेज पत्ता, फिर डाल दिया था एक कटोरी कटा हुआ प्याज और जितनी प्याज थी उतना ही मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी। फिर डाल दिए बहुत ही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची एंड नमक, अच्छे से मिक्स किया एंड थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छी सी ग्रेवी बनाकर तैयार कर दी। जब तक हल्का सा टमाटर प्याज भुन रहे तब तक मैंने दूसरी तरफ पनीर और प्याज शिमला मिर्ची को सॉटे कर दिया। ग्रेवी में डाल दिया था एक कटोरी दही फेंट कर, फिर डाल दिया इसमें 2 चम्मच के करीब टमाटो सॉस, ऊपर से डाल दिया था एमडीएच चना मसाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए, फिर डाल दिए थे इसमें वेजीज जो भी हमने सॉटे किया था और पनीर, अच्छे से मिक्स किया और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था आधा कटोरी के करीब पानी, अच्छे से मिक्स किया एंड हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया और ढककर कम से कम 5 मिनट तक पकाना है जिससे कि इसकी जो कलर है बहुत ही अच्छा से आएगा। एंड फिर 5 मिनट में सब्ज़ी बनकर तैयार थी। तो गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें डाल दिया था धनिया पत्ता। आप इसको गर्मा गर्म लच्छा पराठा, तंदूरी नान और या फिर सिंपल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए इस तरीके से बनाओगे तो घर में सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब